Hello dear friends, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic, that is relating to Limitation Act. In the last previous class of Limitation Act, we have already discussed up to section 31, that I have already completed the Limitation Act, but from today's lecture we will further start the schedule in which the periods of limitation is described in detail फॉर एवरी एस्पेक्ट. इसको हम जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. जितना भी मुझे लगेगा कि जितना पॉइंट सफिशियंट आज के लेक्चर में डिस्कस करना उतना मैं करूंगी. अगर इसके लिए दो या तीन लेक्चर मान लो इस शेड्यूल के लिए ही बनते हैं तो वो भी मैं बनाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि मुझे डिटेल में कंसेप्ट को आपको अंडरस्टैंड करवाना है. चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मैं आपको शॉर्ट जो ओवरव्यू है एक तरीके से लिमिटेशन एक्ट के इस शेड्यूल का, वो मैं आपको लिखवाना चाहती हूँ, जिससे आपको प्री के एग्जाम में थोड़ा उसको याद करना ईजी हो जाएगा. अगर हम बात करते हैं इस शेड्यूल में तो ये डिवाइडेड इनटू थ्री डिवीजन. देखिए मैंने आपके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो आप इसे साथ साथ नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लग रहा है तो. मेरे अकॉर्डिंग ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम में अगर बाय चांस सेक्शन वाइज आपसे कुछ पूछा जाता है तो उसमें आपको किसी प्रकार का इश्यू नहीं होना चाहिए. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये थ्री डिवीजन में डिवाइड है. द फर्स्ट डिवीजन इज सूट. पहला डिवीजन सूट के बारे में बता रहा है. सेकेंड डिवीजन अपील्स के बारे में बता रहा है. और थर्ड डिवीजन बात कर रहा है एप्लीकेशन इन स्पेसिफाइड केसेस. अब जब हम सूट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे तो ये फर्दर डिवाइडेड है इनटू 10 पार्ट्स में. अब 10 पार्ट्स में कहाँ कहाँ डिवाइडेड है वो हम देख लेते हैं. एक तरीके से ये ओवरव्यू है. सबसे पहला सूट्स रिलेटेड टू अकाउंट्स. अकाउंट्स से रिलेटेड अगर आपको कोई सूट फाइल करना है तो यहाँ पर जो सेक्शन वर्ड यूज है इसकी जगह आप आर्टिकल मेंशन कीजिए. तो यहाँ आप आर्टिकल इनको लिखिए, क्योंकि ये आर्टिकल ही होते हैं इसके अंदर. और अगर आप इसको देखें तो इसे सेक्शन यूज नहीं किया जाएगा शेड्यूल में, इसको आर्टिकल आप लिख सकते हो. आर्टिकल 1 to 5 तक अकाउंट से रिलेटेड अगर आपने कोई भी सूट फाइल करना है तो 1 to 5 तक आ जाएगा. अकाउंट से रिलेटेड सूट के अंदर अगर आप समझें तो अकाउंट से रिलेटेड सूट के अंदर क्या क्या कंसेप्ट आ जाता है, आप वेरक निकाल लीजिए अपना जो शेड्यूल देख लेते हैं. इसमें सबसे पहला जैसे म्यूचुअल ओपन और करंट अकाउंट की बात हो रही है, कोई भी अकाउंट के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है, कोई प्रिंसिपल है अमाउंट है उसके रिगार्डिंग है, कोई अदर सूट्स है उसके रिगार्डिंग, जो शेयर का मैटर है वो अकाउंट से रिलेटेड हो गया. कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कई प्रकार के हो सकते हैं, उनको हम बेयर एक्ट में ही मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगी किस प्रकार के, वहां 6 से 55 तक है. और सूट्स रिलेटेड टू डिक्लेरेशन जो सूट्स होता है, जो SRA में है सेक्शन 34 है उसमें 56 से लेके 58 तक का है. सूट्स रिलेटेड टू डिक्रीज और इंस्ट्रूमेंट के लिए जो है वो भी 59 से 60 तक है. सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी 61 से 67 तक है. सूट्स रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी 68 से 71 तक है. उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं सूट्स रिलेटिंग टू टोर्ट के रिगार्डिंग जो सूट्स की बात होगी 71 से 91 तक है. सूट्स रिलेटेड ट्रस्ट के रिलेटेड और ट्रस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई सूट फाइल करना है उसके लिए सेक्शन 92 से 96 तक है. मिसलेनियस प्रोविजन के लिए 97 से 112. और जहां पर कोई प्रोविजन प्रिस्क्राइब नहीं किया गया किसी मैटर में सेक्शन 113 जो है वहां पर अप्लाई होगा. अब इनके टाइम पीरियड की हम बात कर लेते हैं. देखिए एक तो है जहां पर प्रिस्क्राइब पीरियड नहीं वहां फिक्स है कि 3 इयर्स का टाइम पीरियड वहां पर दिया गया है. इसके अलावा सिर्फ 3 इयर्स का टाइम पीरियड मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो 3 इयर्स का टाइम पीरियड होगा. उसके अलावा जो हमने 1 से 4 जो पार्ट किए थे अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेरेशन और डिक्री इनसे रिलेटेड जो है वो 3 ईयर का टाइम पीरियड मेंशन है. कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड. इसमें क्या है 3 प्रकार के टाइम पीरियड दिया. जब भी इमूवेबल का कंसेप्ट आए तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि 3 ईयर का टाइम पीरियड है, 12 ईयर का टाइम पीरियड और 30 इयर्स का टाइम पीरियड. फिर आप सोचिए किसके रिगार्डिंग कितना है. अगर हम बात करते हैं टोर्ट्स में 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर का टाइम पीरियड है, तो मैक्सिमम टोर्ट में 3 ईयर का टाइम पीरियड आपको दिया गया है सूट फाइल करने के लिए. ट्रस्ट प्रॉपर्टी के लिए 3 ईयर का टाइम पीरियड दिया गया है और 12 ईयर का. 12 ईयर का नॉर्मल सेंस में अगर समझें तो 12 ईयर का जो टाइम पीरियड आपको मिला होगा ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मिला होगा ट्रस्ट और ट्रस्ट प्रॉपर्टी के अंदर. फटाफट से देखिए सेक्शन 92 क्या बात कर रहा है. सेक्शन 92 को अगर हम देखते हैं तो जहां पर 12 ईयर की बात है वहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है. नॉर्मली आप समझिए कि 12 ईयर के कंसेप्ट में इमूवेबल आ गई है और 3 ईयर के कंसेप्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगी. मिसलेनियस मैटर्स में 4 प्रकार के टाइम पीरियड दिए गए हैं 1 ईयर 3 ईयर 12 ईयर 30 ईयर. 12 और 30 ईयर तो मेरे हिसाब से इमूवेबल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, 3 ईयर जो है
मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ मैटर होता है जो, फिर जहां पर प्रिस्क्राइब नियम 113 दे दिया गया। इसके बाद जो सेकंड डिवीजन है, सेकंड डिवीजन फर्दर डिवाइड किया गया है, चार पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। सेक्शन 114 बात करता है जब एक्विटल हो जाता है सीआरपीसी के अंदर, तो उस सेंस में 90 और 30 डेज का टाइम पीरियड है। 90 डेज का और 30 डेज का टाइम पीरियड कहां डिस्क्राइब किया गया, कहां कंफ्यूजन है, उसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जहां पर कोई अपील की अगर आप बात करते हो तो उसके अंदर जो डेट है अपील के लिए वो वहां से स्टार्ट हो जाएगी। जहां पर एक एक्विटल के रिगार्डिंग नॉर्मल अपील के अंदर जो आपको 90 डेज का टाइम पीरियड है, अगर आपने स्पेशल लीव अपील फाइल की है, स्पेशल लीव, तो उसके लिए आपको 30 डेज का टाइम पीरियड है। ठीक है, 115 बात करता है, ये भी सीआरपीसी की प्रोविजन की बात करता है। ये कह रहा है कि जब आपको सेंटेंस दी गई, अगर वो सेंटेंस है डेथ की पास की गई है कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, तो वहां पर 30 डेज का टाइम पीरियड है, अदरवाइज 60 डेज का। डिक्री और ऑर्डर सीपीसी में होता है, तो ये सीपीसी का कंसेप्ट है। सीपीसी के कंसेप्ट में आपको 30 और 90 डेज का टाइम पीरियड है। किसके सेंस में, अगर कोई भी एक ऐसा ऑर्डर पास हुआ है, डिक्री पास हुई है हाई कोर्ट में किसी और डिक्री और ऑर्डर से, वहां 90 डेज है, अदरवाइज 30 डेज है। 117 बात करता है कि अगर सेम कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट के सिंगल जज से की अपील आप स्पेशल बेंच में कर रहे हो या टू जज की बेंच में कर रहे हो, तो वहां पर 30 डेज का टाइम पीरियड आपको दिया गया है। फिर आर्टिकल जो है ये शेड्यूल फर्दर थ्री पार्ट में, सॉरी फर्दर थर्ड डिविजन में है। ये पार्ट वन बात कर रहा है उन अप्लीकेशन की, नॉर्मल जो अप्लीकेशन है, लीव टू सू है या कोई ऐसी परमिशन है, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर उलझा हुआ टाइम पीरियड मिलता है। 10 डेज भी है, 30 डेज भी है, 60 डेज भी है, 90 डेज भी है, 1 ईयर भी है, 3 ईयर भी है, 12 ईयर भी है। इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। फिर अदर अप्लीकेशन अगर कोई फाइल कर रहे हो जहां पर कोई इनके लिए, इनके अलावा कुछ और अप्लीकेशन रह जाती है, उसमें 3 ईयर का टाइम पीरियड मेंशन किया गया है। तो ये नॉर्मल सेंस में है। अगर हम लीस्ट टाइम पीरियड की बात करें, लीस्ट, तो वो है 10 डेज का टाइम पीरियड है। समरी प्रोसीजर के अंदर आपको 10 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है, लिमिटेशन आपको मिलता है। इससे ज्यादा जो है कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिसको हमें अलग से कुछ समझना है। अब हम आ जाते हैं हमारे बेयर एक्ट पे। मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ कुछ एक वर्ड्स, जो एक तो कुछ एक वर्ड्स को हाईलाइट करवा देती हूँ, एक कुछ ऐसे आर्टिकल को हाईलाइट करवाती हूँ जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास में मुझे नहीं लगता ज्यादा बड़ा ये लेक्चर बनेगा, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कितना हम कर पाते हैं उतना हम देख लेते हैं। सबसे पहले सूट्स रिलेटिंग टू अकाउंट रिलेटेड, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी उसको आप एक बार थोड़ा देख लीजिए। म्यूचुअल ओपन करंट अकाउंट, ये जो अकाउंट्स की बात हो रही है, कोई अकाउंट है बाय प्रिंसिपल अगेंस्ट हिज एजेंट, प्रिंसिपल का एजेंट के अगेंस्ट है। ये देखिए यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट दिया जाएगा, यहाँ पर पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, यहाँ पर ये बता रहा है कि कब से वो टाइम बिगिन होगा। तो एग्जाम में यहाँ से टाइम बिगिन से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। कह रहा है कि म्यूचुअल ओपन और करंट अकाउंट के लिए द क्लोज ऑफ द ईयर इन विच द लास्ट आइटम एडमिटेड, लास्ट आइटम जो एडमिटेड उसको आपको प्रूव करना है। अकाउंट के रिलेटेड है, ज्यादातर एग्जाम में पूछने के चांसेस कम ही होते हैं इनके अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की। एक इसका फोर्थ क्लोज कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है, अदर सूट्स बाय प्रिंसिपल्स अगेंस्ट एजेंट फॉर नेग्लेक्ट। और मान लो सूट्स फाइल किए गए प्रिंसिपल के द्वारा उनके एजेंट के अगेंस्ट, 3 ईयर का टाइम पीरियड है। कब से, जब वो नेग्लेक्ट की नॉलेज जो है प्लेंटिफ को मिल जाती है। तो यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है नॉलेज जब हो जाएगी उस टाइम से आप क्या मानोगे लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। फिर है फॉर एन अकाउंट एंड शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई हो, उस मैटर में क्या होगा। पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के मैटर के अंदर 3 ईयर्स का टाइम पीरियड है। कब से, जब डेट ऑफ डिसॉल्यूशन आ जाएगी, जब पता चल गया किस डेट से वो डिसॉल्यूट हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोविजन की, जो हमारा प्रोविजन लेके आया, प्रोविजन बात कर रहा है किसकी, सोर्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, सीमन वेजेस, वेज इन द केस ऑफ एनी अदर पर्सन 3 ईयर्स, कोई भी फूड ड्रिंक, प्राइस ऑफ लॉजिंग, कोई भी किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है उनके रिगार्डिंग जो है 3 ईयर्स का टाइम पीरियड है। हम इसके अंदर इंपॉर्टेंट है इसके अंदर 12 फॉर द हायर ऑफ एनिमल व्हीकल बोट्स और हाउस होल्ड फर्नीचर को आप हायर करते हो, उसमें 3 ईयर का टाइम पीरियड है, जब जो आपने पेमेंट देनी होगी, जब से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा।
फिर इसके अंदर है फॉर द बैलेंस ऑफ मनी एडवांस इन पेमेंट, आपने कुछ एडवांस पेमेंट दे दिया है और उसका कुछ बैलेंस है, उसके लिए आप कब करोगे, जब वो गुड्स है वो डिलीवर हो जाएंगे उस टाइम से ये माना जाएगा। अगले कंसेप्ट की अगर हम बात करें प्राइस ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग, प्राइस ऑफ गुड्स है किसी भी गुड्स, सेल ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग आपको ले सकते हो, डेट ऑफ डिलीवरी हो गया, फिर प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड बिक गए हैं एंड डिलीवर टू बी पेड, यहाँ पर तो फिक्स पीरियड नहीं था तो कह रहे हैं जिस टाइम पे जो पेमेंट आपने किए वो एक्सपायर हो जाएगी, सेंस में ये आप जो पढ़ सकते हो, इसमें इतना कुछ ज्यादा उलझाने वाली चीज नहीं है। फिर इसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फॉर द मनी पेबल फॉर मनी लेंट, जो आपने उधार लिए लोन लिया उसकी पेमेंट कब होगी, जब लोन दिया गया है तभी से उसकी पेमेंट मानी जाएगी। एक सेकेंड, आई रेज दिस, रेज क्यों नहीं हो रहा, व्हाट हैपेंड, चलो देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट देखते हैं, चलो पढ़ा अभी देखते हैं, बाद में करेंगे इसे। नेक्स्ट प्रोविजन आ जाइए, ये सारा पढ़ लेना, मनी लेंट है, मनी डिपॉजिटेड है, मनी पेबल है प्लेंटिव के द्वारा, इन सब में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड 3 इयर्स का टाइम पीरियड है, ज्यादा कुछ इसमें डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 30 कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उन्हें बॉन्ड सब्जेक्ट टू कंडीशन, कोई बॉन्ड है उसके सेंस में क्या होगा, बॉन्ड अपने कोई भर दिया है उस बॉन्ड की सेंस में क्या होगा, ये बात इसमें कही गई है। तो इसको अगर हम समझे बॉन्ड वाले मैटर को, तो कह रहा है ऑन ए बॉन्ड सब्जेक्ट टू ए कंडीशन, कोई कंडीशन है 3 ईयर का टाइम पीरियड, व्हेन द कंडीशन, जब कंडीशन के बेस पर कोई बॉन्ड भरा गया था, जब वो बॉन्ड टूट जाएगा, बेल बॉन्ड ले लीजिए आप, कोई भी बॉन्ड ले लीजिए, तो उस टाइम से ही वो माना जाएगा। फिर इससे अगला प्रोविजन हम बात करते हैं, एक सेकेंड कहां पर थे हम, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट पेबल एट ए फिक्स टाइम आफ्टर डेट, वही चीज है कि व्हेन द बिल और नॉट फॉल्स ड्यू, कहने का जब से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 33 की, ऑन ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड पेबल एट ए पार्टिकुलर प्लेस व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड, जब भी वो बिल प्रेजेंट किया जाएगा। फिर प्रोमिसरी नोट के रिगार्डिंग हमारे लिए थोड़ा सा पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, 36 देखिए, प्रोमिसरी नोट और बॉन्ड पेबल बाय इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो क्या कब से टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, द एक्सपायरेशन ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ पेमेंट एज द पार्ट देन पेबल, पार्ट पेमेंट जब कर दी गई है और जब एक्सपायर हो गई और उसकी रिस्पेक्टिव टर्म जो पेमेंट थी तब से जो है माना जाएगा। अगले कंसेप्ट की अगर हम बात करें, इसमें इंपॉर्टेंट है 43, बाय श्योरिटी अगेंस्ट को श्योरिटी, श्योरिटी देने के मैटर में, व्हेन द श्योरिटी पेज एनीथिंग इन एक्सेस, जब श्योरिटी कुछ इन एक्सेस में पे कर देगी अपने शेयर के लिए उस टाइम से। फिर है पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस, व्हेन दैट सम इंश्योर्ड इज पेबल आफ्टर द प्रूफ ऑफ डेथ हैज बीन गिवन टू इट, उस मैटर में कब सूट फाइल होगा, द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द डिजीज, डिजीज की डेथ हो जाएगी जिस डेट से, या तो तब से, या वेयर द क्लेम ऑन द पॉलिसी इज डिनाइड, जब क्लेम ऑफ द पॉलिसी डिनाई कर दिया गया वो कोई भी अगर लगे उसी हिसाब से जो है माना जाएगा। ऑन ए पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस व्हेन द सम इंश्योर्ड इज पेबल आफ्टर द प्रूफ ऑफ द लॉस हैज बीन गिवन, तो कह रहा है कि जब ऑकरेंस हुआ था लॉस का उसी टाइम से क्लेम ऑफ पॉलिसी आइदर पार्टली या होली उसी टाइम से उसे माना जाएगा, टाइम पीरियड उसका स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है 51, फॉर द प्रॉफिट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है वर्ड यहाँ पर, बट प्रॉफिट की बात हो रही है जो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से बिलोंग हो रहा था टू द प्लेंटिफ विच हैव बीन रॉन्गफुली रिसीव्ड बाय द डिफेंडेंट, एक तरीके से मैसने प्रॉफिट आप कह सकते हो, मींस प्रॉफिट कह सकते हो, जो सीपीसी में है 212 की सेक्शन 2 की 12 में डेफिनेशन है, जब वो प्रॉफिट रिसीव्ड हुआ उसी टाइम से माना जाएगा। एरियर ऑफ रेंट, एरियर ऑफ रेंट में 3 ईयर का टाइम पीरियड, जब से वो ड्यू हो जाएंगे, जो किराया वगैरह है वो जब ड्यू हो जाएगा उस सारे की डिमांड कर सकते हो। 54 इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, 54 कहता है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, 3 इयर्स का टाइम पीरियड, द डेट फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस और इफ नो सच डेट इज फिक्स व्हेन द प्लेंटिफ हैज नोटिस, जब परफॉर्मेंस की डेट फिक्स थी या जब नोटिस मिला प्लेंटिफ को उस टाइम से किया जा सकता है। कंपनसेशन के रिगार्डिंग, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है उसके मामले में कंपनसेशन जो है दिया जाएगा। अब आ जाते हैं डिक्लेरेटरी डिग्री में, 3 साल का टाइम पीरियड है टू ऑब्टेन, कोई भी डिग्री लेना है फोर्जरी के रिगार्डिंग, और डिक्लेरेशन दैट एलिज्ड अडॉप्शन इज इनवैलिड एंड अडॉप्शन के रिगार्डिंग, ऑब्टेन एनी अदर डिक्लेरेशन जो है उसके लिए जब राइट टू सू स्टार्ट होगा, राइट टू सू जब शुरू हो जाएगा।
तो ये बात कर रहा था हमारा पार्ट थ्री सूट रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन। अब कह रहे कुछ डिग्री है या इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड सूट फाइल करने में भी 3 साल का टाइम है। सेट असाइड करना है कोई इंस्ट्रूमेंट या डिग्री रिसीशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कह रहा है व्हेन द फैक्ट एंटाइटलिंग द प्लेंटिफ टू द इंस्ट्रूमेंट और डिग्री कैंसल्ड और सेट असाइड, उस मामले में जब पता लगा नॉलेज हुई। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को सेट असाइड करवाना है उसकी सेंस में क्या होगा। कह रहा है कि तो सेट असाइड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड बाय द गार्जियन ऑफ ए वार्ड बाय द वार्ड हु हैज अटेंड मेजोरिटी। मेजोरिटी के बाद 3 साल का टाइम जब वार्ड ने अटेंड कर ली मेजोरिटी। फिर कह रहे जब वार्ड्स डाई विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मेजोरिटी के 3 साल के बाद अगर वार्ड जो है डाई हो रहा है तो उस मामले में क्या होगा। मेजोरिटी के टाइम पर होगा व्हेन द वार्ड डाइज बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी। वार्ड जो उसकी 18 साल के होने से पहले मर जाता है तो जब व्हेन द वार्ड डाई तब से वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर जो है हम आर्टिकल 60 तक करते हैं, पार्ट 4 तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी को समझेंगे और साथ में अगर हो सका तो इसके साथ साथ मूवेबल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट भी हम समझ लेंगे और टोर्ट वगैरह का सूट्स वाला जो पोर्शन है ना, मैं उम्मीद करती हूँ कि कल के लेक्चर में हम इसे पूरा कर लेंगे क्योंकि हमें वेयर प्रोविजन ही समझना है। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे अगर आप मेरे चैनल पर न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। कोरोना के इस टाइम में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।